देखिए यहाँ पे सबसे ईजीएस्ट पैटर्न सबसे पहले हम लोग समझते हैं और फिर इसके बाद कई सारे और पैटर्न को हम देखेंगे जैसे कि आप देख सकते हो राइट right हाफ क्या है हमारा इसकी coding कैसे करते हैं लेफ्ट हाफ प्रामिट क्या है बहुत सारे पैरामिट्स यहाँ पे हमने लिए हुए हैं इन सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर और इसके बाद आप कैसा भी स्टार पैटर्न हो आप प्रिंट कर पाओगे फुल प्रामिट इन्वर्टेड फुल प्रेट एंड डायमंड शेप चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब हम स्टार्टिंग से so तो सबसे पहले हम रोस और कॉलम को समझते हैं इसके अंदर क्या है ठीक है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको रो और कॉलम में कन्वर्ट करते हैं पहले मतलब एक टेबल बना लेते हैं इस स्टार पैटर्न में तो यहां देखिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं इसमें यहाँ पे इसको हमने I बोला है और ये बोला है इसको J, ठीक है I फॉर रो I फॉर रो ठीक है चाहे तो आप रो लेके भी कर सकते हो या कॉलम ठीक है J जो है हमारा कॉलम है तो चलिए I हटा देते हैं या I या J कुछ भी आप ले सकते हो तो देखिए यहाँ पे हम जीरो रो पे क्या चाहते हैं पांच स्टार प्रिंट होके आने चाहिए ठीक है और जब जीरो रो हो तो जीरो कॉलम पे जीरो पे वन कॉलम पे और टू कॉलम थ्री कॉलम फोर कॉलम इन सब पे क्या होना चाहिए स्टार प्रिंट होना चाहिए फिर इसी तरह से वन वाले रो में जीरो पोजीशन पे वन पोजीशन पे टू पोजीशन पे थ्री पोजीशन पे फोर पोजीशन पे क्या प्रिंट होना चाहिए स्टार प्रिंट होना चाहिए ठीक है अब जैसा कि आप देख पा रहे हो इसके पास रो कितनी है इसके पास रो कितनी है इसके पास रो है जीरो से लेके फोर तक के विच मीन्स यहाँ पे फाइव रो है ठीक है आपके पास रो कितनी है यहाँ पे फाइव है ठीक है और कॉलम कितने हैं पे है है ठीक आप है? चेक कर लीजिए जीरो से लेके फोर तक के ये फाइव ही आएंगे अब हम क्या कह रहे हैं पहली वाली रो में आपको फाइव स्टार प्रिंट करवाने हैं फाइव स्टार कहाँ प्रिंट करवाने कॉलम के अंदर प्रिंट करवाने कॉलम के अंदर फाइव स्टार प्रिंट करवाने ठीक है, है फिर उसके बाद लाइन को ब्रेक कर देना है ठीक है बात समझ में आई हम क्या बोल रहे हैं कि आपको रो जीरो पे फाइव स्टार प्रिंट करवाने हैं और फिर उसके बाद रो को ब्रेक कर देना है आफ्टर दैट आप रो वन पे भी आओगे यही सेम प्रोसीजर करना है यही सेम प्रोसेस करना है सेकेंड पे भी आओगे यही सेम प्रोसेस करना है तो चलिए यहां पे देखिए हम इसका कोड कैसे लिखेंगे सबसे पहले हम एक काम करते हैं हम एक एन मान लेते हैं जिसमें हम फाइव लेके चलते हैं ठीक है क्योंकि यहाँ पे रो और कॉलम दोनों फाइव हैं तो हमने एन मान लिया है फाइव ठीक है अब देखिए लूपिंग सबको आनी चाहिए तो यहाँ पे हमने जैसे लिखा फॉर फॉर रो फॉर रो इन रेंज फॉर रो इन रेंज अब इसके अंदर हमें कितनी रो चाहिए आप खुद बताओ आपको कितनी रो चाहिए जीरो से लेके फोर तक के विच मीन्स फाइव रो चाहिए मुझे और फाइव मैंने कहा ले रखा है एन में ले रखा है तो मैंने इसके अंदर एन पास कर दिया इतनी में मैं आई ठीक है अब यहां पे, अब देखिए पे हम कहना क्या चाह रहे हैं जीरो रो पे जब हो, मतलब देखो, ये कही ना कहीं हमारा कुछ इस तरह से चलेगा जीरो से फोर तक के चलेगा ये तो सबसे पहला एन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा वो जीरो होगी ठीक है इसका मतलब रो कहीं ना कहीं इस जगह पे लाई कर रही होगी और इसमें हमें क्या करना है पांच स्टार को प्रिंट करवाना और ये क्या है हमारे ये हमारे देखो इस साइड हमारे ये कॉलम्स है और इस साइड हमारे रो है ठीक है तो ये रो है और ये जब कॉलम है तो देखिए इस कॉलम के अंदर जीरो पोजीशन पे क्या प्रिंट करवाना है एक स्टार फिर जीरो और वन पोजीशन पे क्या प्रिंट करवाना है दूसरा स्टार इस तरह से सारे स्टार्स हमें प्रिंट करवाने हैं तो ये हमारा क्या है ये हमने किस लिए लिखा है कॉलम के लिए लिखा है और ये किसके अंदर हो रहा है ये रो के अंदर हो रहा है तो हम क्या करेंगे फॉर लूप इसके अंदर लिखेंगे फॉर लूप इसके अंदर लिखेंगे और लिखेंगे कॉलम इन रेंज कॉलम इन रेंज अब देखिए इसके अंदर भी आपको पांच ही स्टार प्रिंट करवाना है इसीलिए हमने एन पास कर दिया ठीक अब आपको इसके अंदर क्या प्रिंट करवाना है फाइव स्टार प्रिंट करवाने हैं तो देखिए प्रिंट प्रिंट स्टार प्रिंट स्टार और देखिए अगर हमने कुछ ऐसा कर दिया तो होगा क्या पहले तो हम इसको समझेंगे और फिर आएंगे अब देखिए, यहाँ पे प्रिंट स्टार हमने ये लिखा ठीक है प्रिंट स्टार हमने ये लिखा उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं कि आपको लाइन को ब्रेक करना है आपको क्या करना है लाइन को ब्रेक करना है अब ध्यान दीजिएगा पहले यहाँ पे सबसे पहले देखिए रो जो है वो जीरो पे होगा ठीक है यहाँ पे हम स्टैंड कर रहे होंगे रो जो है हमारी वो क्या है जीरो है तो जीरो पोजीशन पे जब हम स्टैंड कर रहे होंगे तो कॉलम कितना होगा हमारा बेटा वो भी जीरो होगा तो हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पे कॉलम बना लेते हैं वो भी जीरो पे ठीक है तो ये कुछ इस तरह से स्टैंड कर रहा होगा हमारा रो जो है वो जीरो पे कॉलम जो है वो भी जीरो पे अब उस जीरो पे हम क्या कह रहे हैं क्या प्रिंट करो स्टार प्रिंट करो स्टार आ गया एक ठीक अब देखो यहाँ पे ये जो इनर लूप है ये इनर लूप है ये जो इनर लूप है ये हमारा क्या करेगा ये जो इनर लूप है ये हमारा कब तक ही चलेगा जब तक के ये एन की वैल्यू फोर नहीं हो जाती कब तक के चलेगा जब तक के एन की वैल्यू फोर नहीं हो जाती जब तक इनर लूप चलेगा और फिर उसके बाद आउटर लूप पे काम होगा ठीक है ये जो रो वाला लूप है वो आउटर लूप है जो कॉलम वाला लूप है वो इनर लूप है तो रो पोजीशन पे कॉलम वाला जो हमारा फॉर लूप है वो कितना चलेगा जीरो से जीरो से लेके फोर्थ पोजीशन तक के चलेगा तो देखिए जीरो से जीरो पे हमने ये प्रिंट करवा लिया फिर इसके बाद कहीं ना कहीं वैल्यू बढ़ी होगी तो जीरो पे फिर वन पे तो वन पे जब हम आ गए तो यहाँ आए अब इसके अंदर हम क्या लिख रहे हैं प्रिंट करवाइये है स्टार तो देखिये यहाँ पे एक स्टार आ गया फिर देखिये फिर वैल्यू क्या होगी इंक्रीज होगी फिर उसके बाद क्या करेंगे टू पोजीशन पे आ जाएंगे वहां स्टार प्रिंट करवाया फिर वैल्यू क्या होगी इंक्रीज होगी हम किस पोजीशन पे आ जाएंगे थ्री पोजीशन पे आ जाएंगे फिर वहां स्टार प्रिंट करवाया और इसी तरह से वैल्यू जो होगी हमारी फोर होगी और हमने यहाँ पे भी स्टार को प्रिंट करवाया समझ में आई ये बात चलिए अब इतना तो हमने टास्क कर लिया लेकिन इसके बाद हम क्या बोल रहे हैं कि आपको लाइन को ब्रेक कर देना है इसके बाद हम क्या कह रहे हैं लाइन को आपको ब्रेक कर देना है देखो लाइन को जब आपको ब्रेक करना है तो आप क्या लिखोगे कॉलम वाला काम कंप्लीट हुआ कॉलम वाले में हमने क्या करा केवल स्टार को प्रिंट करवाया तो ये जो कॉलम वाला है देखो इसके अंदर ही लिखा है हमने इसको ठीक है अब इस वाले लूप से हमें क्या करना होगा बाहर निकलना होगा तो जब इस वाले लूप से बाहर निकले तो आप कुछ इसी तरह से फॉर लूप के नीचे लिखोगे प्रिंट ठीक है अब प्रिंट लिखने के बाद आपने ये यहां पे कुछ इस तरह से फंक्शन बना दिया अब ये प्रिंट फंक्शन क्या कहता है मैं न्यू लाइन में जो है ऑटोमेटिक पहुंचा देता हूं प्रिंट फंक्शन कभी भी आप लिखिएगा तो उसमें क्या होता है कि न्यू लाइन में ये पहुंचा देगा आपको लेकिन अब सवाल तो ये भी है कि भाई यहाँ पे आपने स्टार प्रिंट करवाया मैम तो ये भी तो न्यू लाइन में पहुंचा देगा इसका मतलब कुछ इस तरह से तो प्रिंट होगा ही नहीं ये कहीं ना कहीं स्क्रीन पे कुछ इस तरह से दिखेगा देखना कुछ इस तरह से दिखेगा स्क्रीन पे समझ रहे हो तो कुछ इस तरह से स्क्रीन पे दिखेगा तो इसको कैसे रिजोल्व करें हम तो इसको कैसे रिजोल्व करें तो देखो इसको कैसे आपको रिजोल्व करना है बहुत सिंपल है यहां पे आप क्या करोगे यहां पे आप क्या करोगे सिंपल आप यहां लिखोगे एंड इक्वल्स टू और डबल कोट्स इसके अंदर कोई स्पेस देने की जरूरत नहीं कुछ नहीं अब ये एंड जो है इसका मतलब क्या है कि स्टार के बाद आपको एंड किससे करना है हमने कुछ भी आ नहीं पास करा इसका मतलब स्टार इस के बाद आपको कोई न्यू लाइन नहीं लेनी है आपको एंड कर देना है वहीं पे ही फिर दूसरा स्टार प्रिंट हो जाएगा तीसरा स्टार प्रिंट हो जाएगा इस तरह से प्रिंट होता चला जाएगा और न्यू लाइन के लिए हमने क्या करा है आउटर लूप की मदद से हमने क्या करा प्रिंट करवाया तो ये न्यू लाइन दे, दे देगा हमको ठीक है ये बात समझ में ये न्यू लाइन हमें प्रिंट करके दे देगा आप देखिए होगा क्या कि जीरो पोजीशन पे तो ये आ गया अब जैसे ही न्यू लाइन होगी तो ये वन पे आ जाएगा ठीक है अब जब वन पे आया तो हमारा क्या होगा ये कॉलम फिर से चलेगा और ये फिर कहा जाएगा बेटा जीरो से लेके फोर तक के तो वन की पोजिशन पे भी ये इतने स्टार को प्रिंट करेगा और जब इतने स्टार को प्रिंट कर लेगा उसके बाद ये क्या देखेगा ओके न्यू लाइन है तो न्यू लाइन हमारी टू पे आ गई फिर इसी तरह से फिर ये कॉलम वाला जो हमारा लूप है वो रिपीट होगा इसके अंदर स्टार लिखा हुआ है तो आपके स्टार ये प्रिंट हो जाएंगे और जब ये स्टार प्रिंट हो जाएंगे इसके बाद देखिए प्रिंट हो जाएगा फिर उसके बाद न्यू लाइन आ जाएगी और न्यू लाइन आने के बाद न्यू लाइन देखो ये वाला हमारा जो लूप है ये जो आउटर लूप है रो वाला ये कब तक चलेगा जीरो से लेके फोर तक के तो अभी तक कहा तक के चला ये टू तक के चला फिर थ्री पे भी चलेगा फिर फोर पे भी चलेगा और बिल्कुल यही पैटर्न प्रिंट करके दे देगा मुझे चलिए इसको हम आईडी एलई पे करके देखते हैं ठीक है पाइथन पे हम करके देखते हैं और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा तो यहाँ पे हमारा आईडी एलि ओपन है चलिए तो यहाँ पे हम इसको करके देखते हैं तो सबसे पहले हमने एन क्या लिया था फाइव लिया था एन हमने क्या लिया था फाइव लिया था और देन उसके बाद हमने फॉर लूप लगाया था यहाँ पे हमने क्या लिखा था रो इन रेंज अब रेंज के अंदर हमने एन को ही पास किया था ठीक फिर इसके बाद हमने फॉर कॉलम इन रेंज यहाँ पे भी हमने एन को पास किया था क्योंकि पांच कॉलम और पांच रो रहने वाली है आफ्टर दैट हमने प्रिंट करवाया था क्या प्रिंट करवाया था स्टार को प्रिंट करवाया था और फिर एंड लगाया था चलिए एंड नहीं लगाते हैं अभी हम आपको दिखाते हैं कि जब एंड नहीं लगाओगे तो क्या होगा और फिर हम क्या कह रहे हैं कि आपको देखो इस लूप से आप बाहर आ जाइएगा बिल्कुल इस लूप से आप बाहर आ जाइएगा और इस लूप से बाहर आने के बाद क्योंकि जो प्रिंट है हमें दू, जो हम दूसरी लाइन ला रहे हैं वो क्या है हमारा वो रो है रो को हम तोड़ रहे हैं तो रो वाला जो फॉर लूप है वो ये है बेटा ठीक है और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ देखो जब भी हमने इसको इंडेंटेशन में आ, किया था जब यहाँ पे एंटर मारा था तो देखिये फॉर यहां से लिखना स्टार्ट किया था इसने ठीक है फॉर यहां से लिखना स्टार्ट किया था जब ये यह फॉर यहां से लिख रहा था तो इसका क्या मतलब है कि फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप आपने लगाया है और हम क्या कह रहे हैं जो प्रिंट वाली लाइन है जिसमें न्यू लाइन सेट हो रही है वो कहाँ पे होनी चाहिए वो रो से होनी चाहिए तो देखिए रो में ही हमने फॉर लूप भी लिखा है और रो में ही हमने प्रिंट को भी लिखा और ये वाला प्रिंट अंदर लिखा है ये वाला प्रिंट अंदर लिखा है इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि आप कॉलम के अंदर इसको पास कर रहे हो आप कॉलम के अंदर इसको पास कर रहे हो ठीक है ये जो इनर लूप है हमारा इसके अंदर आप प्रिंट को पास कर रहे हो और ये जो प्रिंट है इसको देखिए आपने बाहर सेट किया है बाहर लगाया है तो इसका मतलब क्या क्या है है तो ये हमारा आउटर लूप के ऊपर काम कर रहा है चलिए ठीक है बात समझ में आई इतनी चलिए इसको सेव करते हैं हैं और प्रिंट करवा के देखते हैं। तो इसको हम प्रिंट करवाते हैं और सेव कर लेते हैं कंप्यूटर शगुफी के नाम से जैसे ही हमने इसको सेव किया अब होगा क्या यहाँ पे एफ एन एफ हुआ क्या यहाँ पे इसने लाइन भी तोड़ी देखिए यहाँ पे, पे इधर बीच में गैप आ रहा है ठीक है देखिए यहाँ गैप आ रहा है गैप गैप आ आ रहा रहा है है लेकिन इसके बाद भी ये इसने देखिए पैटर्न को जो प्रिंट करा है उसमें भी इसने क्या करा है न्यू लाइन न्यू लाइन कर दी है हर बार न्यू लाइन न्यू लाइन कर दी है देखिए स्टार तो उतने ही प्रिंट हुए आप देखिए तो ये देखिए पहला हमारा रो हो गया ये दूसरा रो हो गया ये तीसरी रो हो गई और ये चौथी रो हो गई और ये पांचवी रो गई पांच रो तो इसने प्रिंट करी है तो इसने देखिए पांच रो तो प्रिंट करी है ठीक है, में कर दी है। और ये एंड जो हमारा लगा है देखिये यहाँ पे हमने आपको एंड समझाया है ये जो एंड आपको हमने समझाया है ये एंड हमने इसीलिए समझाया है क्योंकि अगर आप एंड लगा रहे हो तो स्टार के बीच में जो न्यू लाइन आ रही थी वो नहीं आएगी ठीक है वो जो नई लाइन से आप स्टार हमारा स्टार्ट हो रहा था वो नहीं आएगा चलिए अब इसको देखते हैं तो यहाँ पे हम कोड को चेंज करते हैं तो कोड में हम क्या करेंगे यहां पे। कॉमा, एंड चलिए अब हम इसको दोबारा से एक बार रन करवाते हैं तो देखिए दोबारा से जब आपने रन करवाया तो आप यहां पे देख सकते हो वही पैटर्न हमारा प्रिंट होके आया अब एक काम ये भी कर सकते हो आप इसमें डबल कोर्स जो लगाए इसमें आप स्पेस दे दीजिए जब आप स्पेस दे दोगे तो देखो क्या होगा तो जो पैटर्न है वो थोड़ा सा गैप गैप में आने लगेगा स्पेस भी आएगी उसके अंदर समझ में आई ये बात तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है हमारे स्टार पैटर्न को प्रिंट करने के लिए अब हम इसके आगे का भी कॉन्सेप्ट समझते हैं और अच्छे से चलिए तो बाकी स्टार्स पैटर्न को भी देखते हैं यहाँ पे आया राइट हाफ प्रेमेट तो राइट हाफ प्रेमेट में भी हम क्या करेंगे सबसे पहले इसको टेबल में चेंज कर लेते हैं तो यहाँ पे जल्दी से हम इसकी टेबल बना लेते हैं तो इसको अपने टेबल के फॉर्म में चेंज कर लिया आप देखिए यहाँ पे भी हमारे पास कितने हैं जे कितने हैं मतलब जे मीन्स कॉलम या तो कॉलम ही लिखते हैं हटाओ जे को तो यहाँ जीरो वन टू थ्री फोर विच मींस हमारे पास जो कॉलम है वो कितने हुए वो अभी फाइव है देखिए अब देखिए यहां पे अब हम रो की बात कर लेते हैं यहां पे हम क्या बात करते हैं रो की रो कितनी है तो जीरो वन टू थ्री फोर कितनी रो है यहाँ पे फाइव रो है ठीक है तो यहां पे फाइव रो है अब देखिए कॉलम भी हमारे पास फाइव है रो भी फाइव है तो हम इसको एन में चेंज कर देते हैं कि एन फाइव ओके चलिए अब थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट समझते हैं यहां पे ध्यान दीजिए रो जब जीरो है रो जब जीरो है तो कितने स्टार प्रिंट हो रहे हैं स्टार यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं वन ठीक है वन स्टार प्रिंट हो रहा है और जब रो हमारी टू है जब सॉरी वन है जब रो हमारी वन है तो देखिए कितने स्टार प्रिंट हो रहे हैं एक दो तो यहाँ पे टू स्टार प्रिंट हो रहे हैं और जब रो हमारी रो हमारी कितनी है टू है तो स्टार कितने प्रिंट हो रहे हैं थ्री जैसे कि आप देख पा रहे हो एक दो तीन रो जब हमारी थ्री है तो स्टार कितने प्रिंट हो रहे हैं कॉलम के अंदर फोर स्टार प्रिंट हो रहे हैं कॉलम के अंदर रो जब जीरो थे तो कॉलम के अंदर वन स्टार प्रिंट हो रहा है रो जब वन थे तो कॉलम के अंदर टू स्टार प्रिंट हो रहे हैं रो जब टू थी तो कॉलम के अंदर थ्री स्टार प्रिंट हो रहे हैं रो जब थ्री है तो फोर स्टार प्रिंट हो रहे हैं और रो जब four, हमारी फोर है तो कितने स्टार प्रिंट हो रहे हैं फाइव स्टार यहाँ पे आप देखो लॉजिक अगर पकड़ पा रहे हो तो लॉजिक देखो सिंपल बना है सिंपल क्या बना है यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं रो को प्लस वन करना है रो प्लस वन अगर आप लिख दोगे तो काम बन जाएगा आपका आ, हम क्या बोल रहे हैं कि रो प्लस वन लिख दोगे तो काम बन जाएगा देखिए कैसे यहाँ रो जब जीरो थी तो वन प्रिंट हो रहा था रो जब वन है तो टू प्रिंट हो रहा तो देखो यहाँ वैल्यू को पुट करो जीरो जब थी तो वन तो वन स्टार देखो प्रिंट हो गया तो वन प्लस टू अब दूसरे वाले में जब रो वन थी तो टू प्रिंट हो रहे हैं सॉरी वन प्लस वन कितना हो गया हमारा यहाँ पे टू हो गया और फिर रो जब टू थी तो हमारे पास स्टार कितने प्रिंट हो रहे थे थ्री जब रो हमारी थ्री थी तो हमारे पास स्टार कितने प्रिंट हो रहे थे फोर तो देखिए यहाँ पे ये यह लॉजिक बैठ रहा है तो अब एक बात बताइए आपने स्टार को प्रिंट करने के लिए क्या यूज किया है कॉलम को यूज किया है आपने देखिए पीछे वाली स्लाइड में देखिए आप यहाँ पे देखिए आप कॉलम वाले में ही आप स्टार को प्रिंट कर रहे थे है ना कॉलम वाले में ही स्टार को प्रिंट कर रहे थे तो कॉलम के अंदर जब आप एन लिख रहे थे उसके जगह आप क्या करोगे जहां आप एन लिख रहे थे उसके जगह देखो आप क्या करोगे तो यहाँ पे आप क्या करोगे सिंपल है यहाँ पे बिल्कुल जैसे अभी हमने जो लॉजिक क्रिएट किया है जो लॉजिक हमने क्रिएट किया है रो प्लस वन बस आप यहां वो लिख दो रो प्लस वन हो गया काम हमारा बाकी हमें कहीं नहीं चेंज करना बेटा यहीं पे ही बस चेंज करना है और रो प्लस वन देखो हमने क्यों यहाँ कॉलम में चेंज किया क्योंकि जो प्रिंट स्टार हो रहा था हमारा जो प्रिंट स्टार हो रहा था वो कॉलम के अंदर हो रहा था रो में कोई चेंजमेंट नहीं आया क्योंकि रो तो पांच ही है ठीक है और कॉलम के अंदर चेंजमेंट आया देखिए आप कॉलम के अंदर कैसे चेंजमेंट आया देखिए पहले वाले कॉलम में आप केवल जीरो पोजीशन पे ही देखिए जीरो पोजीशन पे ही प्रिंट करवा रहे हो और फिर दूसरी वाली रो में जीरो पोजीशन पे भी आप कॉलम पे काम कर रहे हो वन पोजीशन पे भी कॉलम पे काम कर रहे हो और सेकंड में देखिए सेकंड रो में आप जीरो पोजीशन पे भी काम कर रहे हो कॉलम के वन पोजिशन पे भी काम कर रहे हो टू पोजिशन पे भी काम कर रहे हो तो यहाँ पे क्या कॉलम में चेंजमेंट आया ठीक है कॉलम में चेंजमेंट आया तो देखिए अभी अब हम इसको भी आईडी पे करके देखते हैं कि हाँ भाई जो हमने बात कही है वो सही कही है कि नहीं कही है तो चलिए यहां पे देखिए हमने यहीं पे चेंजमेंट किया है हम यहीं पे ही करते हैं रो प्लस वन बाकी पूरा बेटा सेम रहेगा एफ एन एफ फाइव तो देखिए ये स्टार प्रिंट हो गया ठीक है तो अगर किसी को कोड की नीड हो तो आप स्क्रीन लेते चलिए तो ये उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आई होगी ठीक है आशा करते हैं ये चीजें समझ में आ रही होंगी आपको देखिए राइट हाफ पैमिट हमने बना लिया अब हम दूसरा देखते हैं पैरामिट तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कैसा पैरामिड आ गया आप हमारे पास पैरामिड आया है उसी का ही जस्ट उल्टा है ये चलिए इनवर्टेड राइट हाफ रैमिट तो इस पैमिट को भी हम समझते हैं और इसके बाद आप कोई भी पैटर्न ले आओ अपने पास तो कोई भी पैटर्न आप ले आओ आप प्रिंट कर पाओगे चलिए इसको भी समझ लेते हैं तो ये कॉलम है और ये है हमारी रो तो रो के अंदर देखिए रो कितनी है वन टू थ्री फोर फाइव तो रो हमारी कितनी है फाइव है जीरो से स्टार्ट हो रही है तो फोर तक के जाएगी इसी तरह से कॉलम कितने हमारे वन टू थ्री फोर ठीक है तो यहाँ पे रो और कॉलम कितने हो गए फाइव तो अब हम क्या करेंगे इसको एन मान लेते हैं इसको फाइव बोल दिया ओके okay. अब चलिए इसका लॉजिक जनरेट करते हैं तो देखिए यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं जब रो आपके पास रो जीरो है तो आपको क्या करना है आपको कॉलम में कॉलम में फाइव स्टार को प्रिंट करना है ठीक है कॉलम में आपको फाइव स्टार को प्रिंट करना है और जब आपकी रो वन होगी जब आपकी रो वन होगी तो आपको कॉलम में फोर स्टार को प्रिंट करना है और जब आपकी रो टू होगी तो कॉलम में आपको कितने स्टार चाहिए थ्री स्टार चाहिए और जब आपकी रो थ्री होगी तो कॉलम में आपको कितने स्टार चाहिए टू स्टार चाहिए रो जब हमारी फोर होगी तो हमें कितने स्टार चाहिए वन स्टार चाहिए तो देखिए यहाँ पे बात समझिएगा और लॉजिक कैसे जनरेट हो सकता है वैसे तो वीडियो को पॉज करिए और खुद कोशिश करिए चलिए तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे आपको देखिए ये ये जो 5 है 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 कहीं नजर आ रहा है क्या देखिए को हमने लेके चला ठीक और ये जो रो है अगर हम ऐसा कुछ लिखे कॉलम के अंदर कि रो जो है एन तक के चले तो रो देखो क्या है रो हमारी क्या है बेटा जीरो है तो जीरो से लेके एन तक के चले विच मीन एन मतलब एक कमी चलेगा तो जीरो से फोर तक के चलेगा तो देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसने क्या करा? चार स्टार पांच स्टार को प्रिंट कर दिया तो जब ये पांच स्टार को प्रिंट कर पा रहा है तो अब हम क्या कह रहे हैं जब रो हमारी क्या हो वन हो तो भी आपको कितना चलना है फोर तक के ही चलना है क्योंकि एन की वैल्यू तो नहीं चेंज होगी एन हमारा फाइव है तो एक कम ही हमारा चलता है ये क्योंकि रेंज के अंदर आप जो कुछ भी देते हो उससे एक कम काम करता है तो वन से लेके फोर तक के ये चलेगा तो देखो क्या होगा वन टू थ्री फोर क्योंकि देखो ये 1 से लेके 4 तक के चल रहा है तो इसका मतलब कितने स्टार को प्रिंट करेगा 1 2 3 4 ठीक है तो यहाँ पे इसने फोर को स्टार को प्रिंट कर दिया तो देखो लॉजिक सिंपल बन गया हमारा क्या बन गया रो कॉमा n अब देखो दोबारा देखो इसको अगर किसी को नहीं समझ में आया दोबारा देखो अब हम 2 पे सेकंड रो पे कितने स्टार को प्रिंट करवाना चाहते हैं तीन स्टार को अगर हम 2 कॉमा 4 लें तो क्या तीन स्टार प्रिंट हो जाएंगे देखो रो कितनी है पे? टू है रो कितनी है बेटा टू है तो यहाँ पे हम हम क्या करेंगे टू कॉमा फोर लेंगे तो टू थ्री फोर तो इसका मतलब क्या हुआ तीन स्टार प्रिंट हो जाएंगे टू थ्री फोर देखो अब हमारे पास रो कितनी है थ्री है थर्ड रो पे हम आ गए थर्ड रो पे हमें कितने स्टार प्रिंट करने हैं? फोर तो देखिए तीन पे आपको तीन से चलना है आपको चार तक के जाना है तो देखिए पहला दूसरा क्योंकि थ्री से स्टार्ट कर रहे हो तो फोर्थ तक यही पहुंच पाओगे ठीक है मतलब थर्ड फोर्थ हो गया अब इसी तरह से फोर्थ पे पे आपको जाके फोर पे जाना है तो फोर से फोर पे जाना है इसका मतलब क्या एक ही स्टार प्रिंट कर पाओगे तो देखो ये पैटर्न भी बन गया और हमने क्या करा रो कॉमा एन लिखा हमने क्या करा सिंपल रो कॉमा एन लिखा चलिए इसको लिखते हैं रो कॉमा एन को तो यहाँ पे हमने सिंपल क्या चेंज किया कॉलम के अंदर रो रोकोमैन अब हम कॉलम को क्यों चेंज कर रहे हैं ये भी आप समझ लो कॉलम को इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि स्टार कॉलम के अंदर लिखा हुआ है स्टार कॉलम के अंदर लिखा हुआ है हमें स्टार को ही चेंज करना है बार बार चलिए देखिए जैसे ही हमने इसको चलाया तो इसने हमें क्या आउटपुट दिया इसने हमको देखिए ये आउटपुट दिया ये आउटपुट हमें मिला समझ में आई ये बात तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से आउटपुट आया अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है नेक्स्ट हम क्या देखेंगे हमारे पास अभी कई सारे प्रामिट हैं, उनको हम एक एक करके जल्दी जल्दी देख लेते हैं अब इनवर्टेड राइट हाफ प्रिट हो गया हमारा इसके बाद हमारा आता है लेफ्ट हाफ प्रैमिट तो देखो यहां पे भी हम इसको रो में पहले तो कन्वर्ट करेंगे फर्स्टली कन्वर्टेड स्टार पैटर्न इन टेबल इन द फॉर्म ऑफ टेबल तो यहाँ पे हमने क्या करा सबसे पहले इसको कन्वर्ट किया टेबल के अंदर टेबल के अंदर हमने कन्वर्ट कर लिया अब देखो मेरी बात अब ध्यान से समझना और एक काम और करो ये भी कर लो ठीक है ये भी हमने कर लिया अब हमने ये क्यों करा ये आपको बताते हैं यहां पे देखिए आपको दो चीजें मिल रही हैं एक तो ये भी आपको प्रिंट करवाना है मतलब स्पेस स्क्रीन पे आपको ये स्पेस भी प्रिंट करवाना है और उसके बाद आपको ये वाला स्टार पैटर्न भी प्रिंट करवाना है ठीक है मतलब आपको दो काम इसके अंदर करने होंगे इसके अंदर दो काम क्या करने होंगे आपको सबसे पहले इसको भी देखना है इसका भी ख्याल रखना है कि स्क्रीन पे आपको स्पेस भी देनी है और स्पेस के बाद आपको कहीं एक स्टार देना है स्पेस बेटा कितनी देनी है चलो इसको देख लेते हैं ये कॉलम है और ये क्या है हमारा रो और इसको हम जीरो वन टू थ्री फोर तो पांच रो है हमारे पास कितने कॉलम है हमारे पास यहाँ पे हमारे पास कॉलम है जीरो से लेके फोर विच मीन फाइव कॉलम है अब देखिए यहाँ पे कौन से कॉलम पे हमें वैल्यू को प्रिंट करवानी है जब रो हमारी क्या हो जब रो हमारी क्या हो जीरो हो तो हमारी फोर्थ पोजीशन पे कॉलम पे प्रिंट होना चाहिए वैल्यू ठीक है फोर्थ पोजीशन कॉलम की फोर्थ पोजीशन पे वैल्यू को प्रिंट करवाना है स्टार पैटर्न को प्रिंट करवाना है स्टार को रो जब है तो हमें कहा प्रिंट करवाना है थ्री और फोर पे प्रिंट करवाना है रो जब हमारी टू है तो हमें कहां पे प्रिंट करवाना है पैटर्न को रो जब हमारी टू है तो हमें कहाँ प्रिंट करवाना है टू थ्री फोर पे प्रिंट करवाना है ठीक है और जब रो हमारी थ्री है तो हमें कहाँ प्रिंट करवाना है हमें कहाँ प्रिंट करवाना है वन टू थ्री फोर ठीक है और जब रो हमारी फोर है तो हमें जीरो से लेके पूरा चलना है फोर तक के जाना है अब देखो इस बात को जरा समझो यहाँ पे अगर आप ध्यान दो यहां पे अगर आप ध्यान दो इस स्पेसिस पे इस स्पेसिस पे ध्यान दो तो ये पैटर्न कहीं ना कहीं ये वाला नहीं दिख रहा आपको ये पैटर्न देखो ये वाला पैटर्न है जिसमें हमने स्टार प्रिंट करवाए यही पैटर्न लग रहा है ना बिल्कुल यही है अगर हम इसके जगह स्पेस प्रिंट करवा देते तो यही होता है ना यही होता तो देखो इसके लिए आपको कोड क्या करना होगा इसके लिए आपको कोड क्या लिखना है इसके लिए कोड आपको लिखना होगा रो रो कॉमा ठीक है इसके लिए देखो यही पीछे वाला कोड हमने लिखा है ये वाला जो कोड हमने सिंपल लिख दिया है अब देखो इससे पीछे वाली स्लाइड में चले जाओ इससे पीछे वाली स्लाइड में जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं देखो क्या मिलेगा कि रो वन पे जब हम थे तो एक स्टार प्रिंट हो रहा था रोज जब जीरो पे थे हम एक स्टार प्रिंट हो रहा था रो जब पे थे तो दो स्टार जब टू पे थे हम थ्री तो तो स्टार प्रिंट हो रहे थे कुछ इसी तरह से तो बेटा जीरो पे हो तो एक स्टार प्रिंट हो रहा है रोज जब वन पे हो तो कितने स्टार प्रिंट हो रहे हैं तीन स्टार दो स्टार प्रिंट हो रहे हैं फिर रोज जब टू पे हो तो थ्री स्टार प्रिंट हो रहे हैं रोज जब थ्री पे हो तो फोर स्टार प्रिंट हो रहा है रोज जब फोर पे हो तो फाइव स्टार प्रिंट हो रहा है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा क्या लॉजिक बैठ रहा है हमारा लॉजिक बैठ रहा है रो प्लस वन समझ में आई बात यहाँ पे हमारा क्या लॉजिक बैठ रहा है रो प्लस वन अगर किसी को यह चीज नहीं समझ में आई एक बार वीडियो को रिवाइंड करना और फिर से देखना है ना चलिए तो यहाँ देखिए जीरो पोजीशन पे कितना देखो ऐसे भी समझ लो जीरो पोजीशन पे कितना एक ही स्टार प्रिंट हो रहा है तो एक स्टार प्रिंट हो रहा है वन पोजीशन पे कितने दो स्टार प्रिंट हो रहे हैं टू पोजीशन पे कितने थ्री स्टार प्रिंट हो रहे हैं और थ्री पोजीशन पे कितने फोर स्टार प्रिंट फोर पोजीशन पे कितने फाइव स्टार प्रिंट हो रहे तो यहाँ पे क्या हो रहा है एक ज्यादा ही तो हो रहा है देखो रोज अब जीरो थी तो वन स्टार प्रिंट हो रहा है रोज अब वन थी तो टू स्टार प्रिंट हो रहा है रोज अब थ्री थे तो हमारा रोज अब टू थे तो थ्री स्टार प्रिंट हो रहे रोज अब थ्री थे फोर स्टार प्रिंट हो रहे है। जब रो हमारी तो हमारे रोज अब फोर थी तो फाइव स्टार प्रिंट हो रहे है। तो यहां रहा है तो यहाँ पे देखिए रो प्लस वन ही तो हो रहा है तो यहाँ ये लॉजिक लिखा अब इसको हम लिखेंगे कैसे ये बड़ा सवाल है चलिए इस रो जब हमारी तो हाँ यहाँ पे अब टास्क क्या है इस प्रोग्राम को हम लिखेंगे कैसे तो देखो यहाँ पे सिंपल प्रोग्राम आपको बस क्या लिखना है? यहां पे बहुत है प्रोग्राम बहुत कोई मुश्किल प्रोग्राम नहीं है आप क्या करोगे फॉर लूप लगाओ रो रो कितनी थी हमारी रो हमारी थी एन चलिए लिख दीजिए सारा खेल कॉलम के अंदर है ठीक है फॉर कॉलम लिखिए कॉलम इन रेंज रेंज कितनी थी हमारी यहाँ पे अब देखो ये वाली स्क्रीन पे पहले प्रिंट हो रहा है बेटा तो इसमें हमने क्या बोला रो कॉमा एन इसमें हमने क्या बोला रो कॉमा एन लिखिए है तो हाँ ये लिख दिया आपने और जब रो कॉमा एन लिख दिया इसके अंदर क्या प्रिंट हो रहा है इसके अंदर प्रिंट हो रही है स्पेस तो यहाँ स्टार ना देके आप स्पेस दे दो हो गया काम स्टार ना देके हमारा दे क्या कर दो यहाँ पे स्पेस दे दो आप हो गया अब इसके बाद देखो ये जो रो है ये वाली जो रो है ये कब टूट रही है ये जब टूट रही है जब दूसरा वाला भी हमारा ये वाला रो प्लस वन चल जा रहा है उसके बाद टूट रही है मतलब ये स्पेस को प्रिंट करने के बाद एक स्टार प्रिंट हो रहा है फिर उसके बाद न्यू लाइन ले रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये जो रो है ये जो रो इन रेंज लिखा है इसी के अंदर आपको दूसरा कॉलम भी चलाना है और दूसरे कॉलम में आप क्या करोगे दूसरे कॉलम में आप क्या करोगे यहां से आपको क्या करना है रो प्लस वन करना है यहां पे आप क्या करोगे रो प्लस वन करोगे रो प्लस वन में आप क्या करना चाहोगे रो प्लस वन में आप क्या करोगे इसके अंदर आप इंडेंटेशन का ध्यान रखना इसके अंदर आप क्या करोगे स्टार को प्रिंट करोगे स्टार आपने प्रिंट किया एंड एंड लगाया इक्व टू लिखा और ये कुछ इस तरह से हो गया ठीक है अब इसके बाद क्या है लाइन को आपको ब्रेक करना है तो इसके बाद आप जब लाइन को ब्रेक करोगे तो इससे बाहर आके आपने लाइन को ब्रेक कर दिया आ, हो गया हमारा प्रोग्राम ये चलिए अब हम इसको रन करवा के देखते हैं तो चलिए इसको प्रोग्राम को हम रन करवाते हैं पहले तो टाइप करेंगे तो टाइप करने से पहले हम क्या करेंगे ये दो लाइन कॉपी कर लेते हैं इससे क्या है कि थोड़ा हमारा टाइम बच जाएगा तो इसको हमने करा कॉपी और कॉपी करके हमने किया पेस्ट तो यहाँ पे देखिए हमने इसको पेस्ट किया अब बस सिंपल क्या करना है हमको यहां पे थोड़ा सा करना है रो प्लस वन कर दीजिए और ये तो स्टार रहेगा यहाँ प्रिंट कर दीजिए तो चलिए स्टार्ट करें इस प्रोग्राम को तो देखिए यहां पे जैसे ही आपने स्टार्ट किया तो आपको ये नजर आया यहां पे आपने क्या देखा इस स्टार पैटर्न को देखिए ये कुछ इस तरह से कुछ इस खूबसूरती से ये प्रिंट होके आ गया तो यहाँ पे यही तो करना था हमें काम समझ में आई ये बात चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम को देखते हैं यहाँ पे लेफ्ट हाफ पिरामिड देखा हमने ठीक है अब हम क्या देखते हैं कि इनवर्टेड लेफ्ट हाफ पिरामिड क्या होगा तो देखो यहाँ पे हमने केवल देखो हम क्या बात कर रहे हैं केवल आपको क्या दो लॉजिक सीखने हैं केवल दो लॉजिक सीखने हैं एक इनवर्टेड राइट हाफ ठीक है पहला लॉजिक हमारा और दूसरा लॉजिक जो कि हमने सिखाया राइट हाफ तो इसमें क्या था रो प्लस वन करना था और इसमें क्या था आपको रो कॉमा एन करना था बाकी सारे पैटर्न इसी के ही फॉर्म से बन जाएंगे समझ में आई बात चलिए इस वाले प्रोग्राम को देखते हैं अब हम तो यहाँ देखिए पहले आपको क्या करना है सबसे पहले आपको करना है ये वाली स्पेस पे काम ये स्पेस पे काम तो यहां पे देखो क्या करना है आपको सबसे पहले इस स्पेस पे काम करना है ठीक है ये वाली स्पेस पे काम करना है और फिर आपको फिर आपको इस पैटर्न पे काम करना है तो देखिए हमें क्या करना है सबसे पहले हमें इस स्पेस पे काम करना है इस स्पेस पे काम करना है और फिर इस पे काम करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे रो और कॉलम में इसको चेंज कर लीजिए तो यहां पे हमने इसको रो और कॉलम में चेंज कर लिया अब हमारे पास देख सकते हो कि रो कितने कॉलम कितने हैं तो कॉलम हमारे पास कितने हैं जीरो वन टू थ्री फोर और रो कितनी है हमारे पास वन टू थ्री फोर तो यहाँ पे आपको कॉलम और रो मिल चुके हैं जो कि हमारे फाइव ही हैं चलो तो एन हम लेके चलते हैं फाइव अब यहाँ पे ये देखो ये वाला क्या है हमारा ये हमारा क्या प्रिंट कर रहा है ये हमारा प्रिंट कर रहा है तो ये हमारा क्या प्रिंट कर रहा है ये हमारा प्रिंट कर रहा है स्पेस को ठीक है ये हमारा स्पेस को प्रिंट कर रहा है और ये स्पेस आप देख सकते हो ये स्पेस आप देख सकते हो कि आपको कहीं ना कहीं इस पैटर्न की याद दिला रहा होगा तो देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो पैटर्न है हमारा कुछ हमारा ये क्या किस तरह से काम कर रहा है ये कुछ इस तरह से काम कर रहा है मतलब जो स्पेस वाला है कुछ ये वाला पैटर्न है ठीक है अब ये वाला पैटर्न के लिए आपने क्या कोट किया था रो प्लस वन रो प्लस वन तो ये वाले के लिए आपने रो प्लस वन किया था और उसके बाद देखिए आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो कि इसके अंदर स्टार प्रिंट है स्टार कैसे प्रिंट है कुछ इस फॉर्म में देखो प्रिंट है स्टार जो है हमारे लिए कुछ इस फॉर्म में प्रिंट है जैसे कि ये वाला ठीक है तो यहाँ पे आपने क्या करा था इस प्रोग्राम के लिए क्या करा था रो कॉमा एन लिया था रो कॉमा एन लिया था तो रो कॉमा एन इसके लिए आप लिख दोगे ठीक है तो आपका ये जो लॉजिक है वो क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या लिखोगे रो प्लस वन एंड देन क्या लिखोगे रो कॉमा एन रो कॉमा एन और रो कॉमा एन इस वाले के लिए और ये कहाँ चेंजमेंट होगा स्टार कहाँ प्रिंट हो रहे थे कॉलम के अंदर प्रिंट हो रहे थे ठीक है तो आपको ये दो काम करने हैं कॉलम के अंदर चलिए स्टार्ट करते हैं और उसको करके देखते हैं तो यहाँ पे क्या चेंजमेंट करना है सिंपल हमें यहाँ पे चेंज करना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे रो प्लस वन लिख दे पहले वाले में यही हमने कोट किया है और दूसरे वाले में हम क्या कह रहे हैं रो रोकॉमा एन देखो पूरे प्रोग्राम जो है सारे के सारे इसी से ही बन जा रहे हैं हमारे बस रो प्लस वन रोकॉमा एन तो यहाँ पे देखिए हमने इसको रन करवाया और ये देखिए इसने हमें ये प्रिंट करके दे दिया यही वाला तो हमें प्रिंट करना था देखिए देखिए ये वाला हमें पैटर्न प्रिंट करना था तो यही देखिए इसने प्रिंट करके दे दिया सेम चलिए तो अब हम नेक्स्ट पैटर्न को देखते हैं तो यहाँ पे हमारा आया फुलिट तो इसमें देखिए आपको क्या करना होगा इसमें यहाँ के लिए आपको एक बनाना होगा स्पेस ठीक है और फिर आपका एक ये बनेगा

तो हमें देखिए इसके लिए क्या हमारे लिए लिखा था हम लोग ने इसके इस वाले पैटर्न के लिए हमने लिखा था रो कॉमा एन ठीक है इस वाले पैटर्न के लिए हमने क्या लिखा था इस वाले पैटर्न के लिए लिखा था रो प्लस वन इस वाले पैटर्न के लिए बेटा क्या लिखा था रो प्लस वन लो हो गया हमारा प्रोग्राम चलिए इसको करके देखते हैं तो यहां पे हम पहले इसको कॉपी कर लेते हैं अब देखो तो यहां पे देखिए यहां पे अब हम क्या करेंगे देखिए हमने क्या करा है यहां पे हमने रो कॉमा एन लिखा है सबसे पहले कॉमा एन और ये स्पेस के लिए हो गया ओके एंड देन हमारे पास क्या है यहां पे हमने रो प्लस वन लिया है तो रो प्लस वन देन इसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे यहां पे है रो प्लस वन चलिए तो यहां पे ये यह कुछ इस तरह से ही प्रिंट होगा चलिए करके देखते हैं अगर कुछ दिक्कत आई तो आगे देखते हैं देखिए हाँ दिक्कत आई है इसमें दिक्कत ये आई है कि मैम यहां पे तो एक स्टार है लेकिन यहां पे आपके दो स्टार आ रहे हैं तो ये दिक्कत को आपको रिजोल्व करना होगा चलिए इस दिक्कत को रिजोल्व करते हैं ये हमारा एक, एक प्रॉब्लम हुई है कि इस वाले को आपको हटा देना है तो ये कैसे करोगे आप तो देखिए यहाँ पे हमने क्या करा इस वाले रो को हमने क्या करा रो प्लस वन नहीं किया क्यों रो प्लस वन नहीं किया क्योंकि हमें देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे तो एक स्टार चाहिए था ठीक है यहाँ पे तो एक स्टार चाहिए था लेकिन इस वाले में हमें स्टार नहीं चाहिए था तो हम क्या करेंगे कि जो इस वाले में हम क्या कह रहे हैं रोजीरो पे जब आप हो तो आपको कोई स्टार नहीं चाहिए ठीक है रोजरो पे हो तो रो जीरो तो मतलब जीरो जीरो मतलब तो जीरो पे कोई स्टार नहीं आएगा अब जब रो वन पे हो तो आपको क्या स्टार चाहिए एक स्टार चाहिए देखिए बेटा ये जीरो है, ये है, ये है, ये है 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 तो पोजिशन पे पोजीशन पे आपको कोई स्टार नहीं चाहिए इसीलिए हमने क्या करा रो जीरो पे आपको क्या चाहिए जीरो स्टार रो वन पे आपको कितने चाहिए वन स्टार रो टू पे आपको कितने स्टार चाहिए टू स्टार रो थ्री पे तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल बराबर रो के है रो के बिल्कुल इक्वल है रो के बिल्कुल इक्वल स्टार्स चाहिए आपको तो बस इसीलिए हमने क्या करा यहाँ पे रो लिख दिया ठीक है यहाँ पे हमने क्यों लिखा रो क्योंकि हमें इस वाले पैटर्न में और ये देखिए ये लास्ट पैटर्न था हमारा ये हमारा कैसा था पैटर्न ये देखिए ये पहला ये पहला पैटर्न हो गया स्पेस वाला ये दूसरा पैटर्न हो गया ये तीसरा पैटर्न हो गया और इसी से ही हमारा फुल प्लामिट बन गया बात समझ में आई तो ये तीसरा पैटर्न था ये तीसरा पैटर्न था इसीलिए हमने देखिए तीसरे वाले कॉलम में चेंज किया है ये देखिए तीसरे वाले कॉलम में हमने चेंजमेंट किया है आई बात समझ में चलिए अब दूसरा हमारा पैटर्न देख लेते हैं तो यहाँ पे देखिए इनवर्टेड फुल राइट पैटर्न है तो इसके लिए देखो क्या करोगे आप इसके लिए भी देखिए सबसे पहले आपको इस पे काम करना है सबसे पहले आपको इस पे काम करना है तो यहाँ एक स्टार यहाँ दो स्टार यहाँ तीन स्टार चार स्टार इस तरह से और फिर इसके बाद आपको इस पे काम करना है और देन इसके बाद आपको इस पे काम करना है समझ में आई बात तो यहां देखो यहाँ ध्यान दो आपको क्या करना होगा ये हमारा क्या है रो कॉमा रो प्लस वन है ये हमारा क्या है रो प्लस वन है ठीक है और ये हमारा क्या है रो कॉमा एन है रो कॉमा एन है और ये हमारा क्या है देखो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा यहां पे रो कॉमा एन तो है लेकिन एक कम है तो क्या करोगे आप है ना तो आप क्या करोगे तो यहां पे एन माइनस वन लिख सकते हो चलो करके देखते हैं इसको तो यहां पे देखिए आपको क्या करना है सबसे पहले रो प्लस वन लिखना है स्पेस के लिए तो यहां पे हमने चेंज किया रो प्लस वन ओके एंड देन यहां पे आपको क्या करना है रो कॉमा एन फिर आपको यहां पे क्या करना है रो कॉमा एन माइनस वन चलिए इसको हम प्रिंट करवा के देखें तो देखिए ये पैटर्न भी हमारा प्रिंट हो गया है ना ये पैटर्न भी हमारा प्रिंट हो गया तो अब इस पैटर्न को जोड़ने की बारी आ गई मतलब हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न है वो क्या है पूरा डायमंड हमें मेंटेन करना है डायमंड पैटर्न को मेंटेन करना है अब हमारा डायमंड पैटर्न क्या है देखो डायमंड पैटर्न कुछ नहीं है डायमंड पैटर्न क्या कह रहा है कि आपने जो ये बनाया है इन दोनों को मर्ज कर दो बस हो गया तो इसका कोड इसका जो कोड लिखा है वो लिख दो पहले फिर बाद में इसका कोड लिख दो समझ में आई बात तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं यहाँ पे देखो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप इसको बॉक्स में बना लो सबसे पहले ये बॉक्स हमारा ये है कुछ ठीक है बॉक्स में बना लो इस वाले के लिए आपको प्रिंट करना है हाँ और फिर सेकेंड वाले में आपको इसको प्रिंट करना है थर्ड वाले में इसको प्रिंट करना है ठीक और इधर वाली स्पेस से हमें कोई मतलब नहीं है फिर यहाँ पे आपको इसको प्रिंट करना है फिर इस वाले को प्रिंट करवाना है एंड देन इस वाले को प्रिंट करवाना है तो आपके पास देखो क्या है पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा अब यहाँ पे बस आपको ध्यान देने वाली क्या बात है ध्यान देने वाली आपकी ये बात है कि ये जो पैटर्न है ये जो पैटर्न है ये देखिए इसके बाद आपको क्या करना है लाइन को ब्रेक करना है और ये पैटर्न बिल्कुल सेपरेट एक नया स्टार्ट हो रहा है ये जो ये जो नीचे पैटर्न लिखा है ये सेपरेट एक नया स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे जो फॉर लूप रो लगा रहे थे आप रो वाला जो लगा रहे थे आप रो इन रेंज ये आप लिख रहे थे रो इन रेंज एन तो यहाँ पे आपको इस वाले प्रोग्राम के लिए भी लिखना है ठीक है इस वाले प्रोग्राम के लिए आपने लिखा और फिर प्रिंट लगा के आपने क्या करना है प्रिंट लगाया आपने और नई लाइन प्रिंट कर दी और फिर उसके बाद यही सेम लाइन इस वाले प्रोग्राम के लिए भी आपको लिखना है ठीक है तो ये देखो कुछ इस तरह से होगा हम एक बार इसको इस पे करके देखते हैं तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा इस वाले के लिए आप क्या करोगे इस वाले के लिए आपको लिखना होगा रो रो कॉमा एन ठीक है इस वाले पैटर्न के लिए आपको क्या लिखना होगा <Chief> रो प्लस वन इस वाले पैटर्न के लिए रो केवल रो लिखना होगा क्योंकि एक कम है जीरो वाली पोजीशन पे हमारा कुछ नहीं प्रिंट हो, हो रहा है वन वाली पोजीशन पे शुरू हो रहा है ओके एंड देन इस वाले पे आपको क्या करना होगा इस वाले पे आपको करना होगा रो प्लस वन ठीक है और यहां पे रो, रो कॉमा एन यहां पे क्या होगा आपका रो कॉमा एन माइनस वन एन माइनस वन क्यों लगाया क्योंकि एक स्टार देखिए नीचे कम है ठीक है चलिए इसको भी हम यहां पे देख लेते हैं पहले तो एक काम करते हैं इस वाले पैटर्न को हम पूरा कॉपी कर लेते हैं और फिर हम यहां पे इसको पेस्ट भी कर लेते हैं चलो तो हमने ये काम कर लिया अब देखो पहले वाले में क्या करना है रो कॉमा एन लिखना है चलिए हाँ रो कॉमा एन पहले वाले में हम रो कॉमा कॉमे लिखेंगे नेक्स्ट वाले में हम क्या लिखेंगे रो प्लस वन देखिए यहाँ पे आप देखते जाइए इस वाले में पे आप देखते जाइए रो प्लस वन लिखा है फिर दूसरे वाले में हमने क्या लिखा है रो लिखा है केवल तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ये सारी चीजें हटा देंगे रो लिखेंगे ठीक है और फिर हमें क्या करना है इस वाले इस वाले पूरे इसको कॉन्सेप्ट को हमें क्या करना है ये देखिए ये पूरा जो है ये हमारा पहला वाला पैरामिट को क्रिएट करेगा ये पहला वाले पैरामिट का कोड है और फिर ये जो दूसरा जो प्रामिड नीचे के तरफ लगा हुआ उसके लिए ये कोड लिखा है ठीक है फॉर लूप की स्टार्टिंग फिर से करोगे और फिर न्यू लाइन से देखो अगर हमारा ये जो न्यू लाइन है आप आ, आप ऐसा कर देते कि भाई ये जो प्रिंट है हमारा ये जो प्रिंट है इसको बिल्कुल लास्ट में लगाएंगे और इसी फॉर लूप के अंदर लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला क्यों गड़बड़ हो जाएगा इसका रीजन समझो पहले देखो ये गड़बड़ इसलिए होगा क्योंकि आप क्या कर रहे हो कि आपको ये पूरा प्रिंट करना है ये पूरा प्रिंट करना है और फिर आप चाहते हो कि एक नए रो में इसका कॉन्सेप्ट बने ठीक है मतलब देखो ये और ये बिल्कुल एकदम अलग हम लेके इसलिए चले क्योंकि हमारा ये जो पैटर्न है वो इजी हो जाएगा चलिए इसको हम प्रिंट करवा के देखते हैं तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से हमारा ये जो डायमंड है वो प्रिंट होके आ गया ये जो डायमंड है वो हमारा बन गया और ये कुछ इस तरह से प्रिंट होके आ गया है ठीक है तो यहाँ पे बस हमने क्या करा रो कॉमा एन और रो प्लस वन से ही सारे के सारे पैटर्न को डिजाइन कर लिया ठीक है उम्मीद है होप करती हूं आप लोग को समझ में आया और इससे आसान कोई भी आपको नहीं समझा सकता बिकॉज मैंने केवल दो लॉजिक का यूज करके सारे के सारे पैटर्न को आपको बता दिया ठीक है और आप भी कोशिश करिए और कैसे भी पैटर्न हो आप यही दो लॉजिक को यूज करके सारे पैटर्न प्रिंट करवा सकते हो ठीक है यही दो लॉजिक को यूज करके आप सारे के सारे पैटर्न को प्रिंट करवा सकते हो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज बाय बाय टाटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में